हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 4 नवंबर का लेसन है, डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। डेली क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, इनके डिटेल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस ये सारे के सारे जो कंपैरिजन है, जो 1 जून से लगातार आ रहा है, इसको आपको बस रिवाइज करना है डेली, और एग्जाम से पहले ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। करंट अफेयर का जो इशू है वो उसको कवर करता है पूरे एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेड कंटेंट अवेलेबल है 159 रुपीज़ पर मंथ के अंदर ही, और इसके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आपको आते हैं तो आप इन दो नंबर पे कॉल कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग पूछना है, तो ये सब आपको एक्सेस यहाँ से हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इस फेसबुक ग्रुप पे दिया हुआ है, और इसको आप फॉलो कर सकते हो। रिक्वेस्ट आप मुझे भेज देना, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज। तो सर्विसेज के सेक्टर में इंडिया बेस्ट परफॉर्मर अपने कैटेगरी में रहा है पिछले 25 सालों के अंदर, और ये जो है 26 से 28 नवंबर को क्या बेंगलुरु में होने वाला है। देखिए, पांचवा एडिशन इस बार होगा, और 4 एडिशन इसके हो चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये इवेंट जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और एसोसिएशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैम्बर्स हैं, लेकिन ये इसको ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहे हैं, इसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा, दूसरा इसमें गलत है। ये देखिए, ये बेंगलुरु में होगा, इसका कर्टन रेजर इवेंट जो है वो दिल्ली में हुआ है, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर आता है वो इसमें ऑर्गेनाइज करवाएगा, और पार्टनरशिप किसके साथ में कर रहा है, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ में और सीआईआई के साथ में भी। तो सीआईआई भी इसमें शामिल है, लेकिन मेनली ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीईएस ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज, जीईएस, ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर से आप याद रखना, एग्जीबिशन है एक, और इसमें 12 आइडेंटिफाइड चैंपियन सर्विसेज सेक्टर्स हैं जिसके रिगार्डिंग इसमें जो है फोकस्ड अटेंशन होगा। नेक्स्ट ये हाइलाइट्स हैं, इस बार ये चीज़ों पे काम होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। और इंडिया सर्विसेज जो एक ब्रांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्रिएट किया है इंडिया की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्विसेज सेक्टर के अंदर, ठीक है, ये इशू है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या लॉन्च किए हैं, 2 IT इनिशिएटिव्स, आइस डैश और अतिथि। देखिए, आइस डैश और अतिथि, इसका रिलेशन जो है वो कस्टम्स से और जो कार्गोज वगैरह जो आते हैं, इंपोर्ट है, उससे रिलेशन इसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें शामिल नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये टूरिज्म के लिए भी नहीं है, तो दोनों गलत हैं, डी नन इसका आंसर होगा। ये देखिए, आइस डैश जो है वो तो एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होगा इंडियन कस्टम्स के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को स्मूथ करने के लिए, और इसमें डेली कस्टम क्लियरेंस जो होते हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगा। अतिथि जो है वो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो होंगे, जो कस्टम डिक्लेरेशन एडवांस में करते हैं, उसके लिए ऐप होगा, अतिथि ऐप। तो ये दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होंगे, और यहाँ पे इनका जो डिटेल है वो दे रखा है, आइस डैश और अतिथि, ये दोनों ऐप हैं, ठीक है। अतिथि सीबीआईसी ने वैसे लॉन्च किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी ने ये लॉन्च किया था। नेक्स्ट, विटिलिगो। विटिलिगो क्या वायरल डिजीज है जो कैटल्स में होती है? देखिए, ऐसा नहीं है, विटिलिगो एक स्किन का डिसऑर्डर आप बोल सकते हो वो है, और एक कंडीशन है जिसके अंदर पिगमेंट जो होता है वो बनाने वाली सेल्स या तो डेड हो जाती हैं या फिर वो काम नहीं करती हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, इसके रिगार्डिंग कोई एकदम परफेक्ट इसका रीजन नहीं पता है किसी को भी, लेकिन इसका कोई शॉर्ट इलाज इसका नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा जो है और यूनानी जो मेडिसिन, अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है, उसके अंदर इसका कुछ इलाज बताया जाता है। और क्रियम के नाम से एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका भी नाम चेंज किया गया है, और वही इंफॉर्मेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसका नाम चेंज करके एक इसको अपग्रेड किया है, और इस क्रियम इंस्टीट्यूट ने अभी तक 1.5 लाख पेशेंट्स को क्योर इसमें किया है, ये विटिलिगो के पेशेंट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंसानों में होती है विटिलिगो, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि ये वायरल डिजीज नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आपने देखे होंगे कई तरह के पेशेंट्स उसके मुंह में, आंखों पे या फिर हाथों में इस तरह का जो दिखने लग जाता है, जो इसमें पिगमेंट्स का इशू है, ये वैसे ही ये अधिकतर जो डार्क स्किन के जो लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है ये, तो ऐसे ही दिखने लग जाता है, तो इसमें पिगमेंट लूज करने लग जाते हैं, और इससे कई तरह के इश्यूज बाद में हो जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कई लोगों के चेहरे पर ऐसे हो जाता है तो उनकी बॉडी अलग से दिखने लग जाती है, तो उससे कई तरह के जो हैं सोशल स्टिग्मास क्रिएट हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। विटिलिगो इसका नाम है, और ये जो इसका नाम नया आया है, मतलब कि अपग्रेड इसको किया गया है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर, NIUNRIUMSD के नाम से, जो कि पहले क्या थी, क्रियम थी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो यूनानी के अंदर इसका इलाज जो है बताया गया है, इरागढ़ा हैदराबाद के अंदर इसको
इस्टेब्लिश किया गया है और ये ओनली मेडिकल इंस्टीट्यूशन है शायद दुनिया के अंदर परहैप्स जो कि इसके 1.5 लाख पेशेंट्स को क्योर कर चुका है। तो ये इशू है और ये पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि CCRUM होती है, काउंसिल है जो रिसर्च करती है यूनानी मेडिसिन के अंदर, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट विज्ञानिका। विज्ञानिका क्या है? ये कोई एंशियंट लिटरेचर है साइंस के ऊपर, या स्पेस का इंस्टीट्यूट है, या फिर इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है, या फिर कुछ और है? तो इसका आंसर होगा साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है ये, और इंटरनेशनल फेस्टिवल ये बोला जाता है। इंडिया में ये होता है विज्ञानिका के नाम से। और ये देखिए नवंबर 5 से 7 ये कोलकाता में होने वाला है और IISF इसको बोलते हैं, साइंस का फेस्टिवल है, विज्ञानिका इसका मेन टाइटल दिया जाता है और कोऑर्डिनेट कौन करवाएगा? CSIR का जो इंस्टीट्यूट है निस्केयर वाला, साइंस कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिसोर्स का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है निस्केयर, और साथ में होगा विज्ञान प्रसार और विज्ञान भारती, ये इसको कोऑर्डिनेट करवाएंगे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इशू है, कोलकाता में होने वाला है और क्योंकि साइंस के एरिया के अंदर हमें और प्रमोशन करना है और बच्चों को इसमें जो है इंटरेस्टेड बनाना है, इसलिए इस तरह के इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के इश्यूज हैं, 16 मल्टीपल सेशंस होंगे, विज्ञान मंथन है, विज्ञान स्पंदन है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। इसमें ये सारे साइंस ओरिएंटेड इश्यूज हैं, ठीक है, कई तरह के ब्रॉड एरियाज जिसमें डिस्कस होते हैं और साइंस कम्युनिकेशन इसका मेन एजेंडा है। नेक्स्ट, इनर लाइन परमिट। आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जहां पर अगर आपको विजिट करना है तो इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, वो कोई वीजा नहीं होता है लेकिन एक परमिट होता है जो कि लेना पड़ता है। तो कौन कौन से स्टेट्स में लागू है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो ये देखिए स्पेशली बात है, अभी जो मुद्दा उठा है वो है मेघालय ने एक लॉ पास किया है कि इनर लाइन परमिट की तरह उसमें एक अलाउंस लेना पड़ेगा जो बाहर से विजिट करेंगे उसमें, और 24 घंटे से ऊपर कोई रुकने वाला है तो उसको अथॉरिटीज अलाउ करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो इसमें एग्जेम्प्टेड है, बाकियों को करना पड़ेगा क्योंकि मेघालय में इनर लाइन परमिट नहीं है, बाकी 3 स्टेट्स में अभी है। तो 2, 3, 4, 20 इसका आंसर होगा, मेघालय में है नहीं है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का ब्रिटिशर्स लेके आए थे और उन्होंने अपने जो टी ऑयल और एलिफेंट ट्रेड के जो इश्यूज यहाँ पर थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया था जो अभी तक चलता आ रहा है। और ये जो है कंटिन्यू रहा और उनके कल्चर को, स्पेसिफिक कंडीशंस को, कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ चलती रही इनर लाइन परमिट। लेकिन ये इशू बड़ा पॉलिटिकल हो गया और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया पॉलिटिकल के साथ साथ, तो इसके ऊपर कई सारे तरह के इश्यूज हैं। अभी देखिए ये ट्रैवल पर्पस के लिए ही सिर्फ जो है जारी होता है और ये एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, 1873 का जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग ही होता है। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है इंडियन सिटीजन्स को जो कि इन प्रोटेक्टेड स्टेट्स के अंदर एंटर करना चाहते हैं उनको। ठीक है, तो ये मेघालय के अंदर नहीं है, मेघालय भी एक इंपॉर्टेंट MRSSA 2016 का एक्ट लाया है, मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, ये इशू है। और ये भी डिमांड कर रहे हैं कि NRC के थ्रू जो असम के अंदर जो लोग बहुत सारे डिक्लेयर होंगे फॉरेनर्स वो मेघालय में एंटर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी ये कर रहे हैं। ठीक है, 24 घंटे से ऊपर कोई भी रुकने वाला है तो उसको ये मैंडेटरी होगा, ये एक तरह से पास लेना, रजिस्ट्रेशन करवाना। नेक्स्ट, EAS ईस्ट एशिया समिट। ये क्या आसियान का इनिशिएटिव है और आसियान के मुद्दों के ऊपर ही ये क्या एस्टेब्लिश हुआ है? बिल्कुल सही है, आसियान का इसमें सेंट्रल रोल है लेकिन इसके मेंबर जो है वो 18 कंट्रीज हैं, अकेले आसियान वाले 10 कंट्रीज ही नहीं है, 18 हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है, तो ये गलत होगा, पहला सही है। ये देखिए 14वां एडिशन जो है वो थाईलैंड में चल रहा है क्योंकि जो आसियान का समिट होता है उसके साथ ही इसका भी होता है, तो वहां पर वो भी चल रहा है, RCEP का डिस्कशन भी चलेंगे वहां पर और ये भी चल रहा है साथ में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंडिया इसका हिस्सा है, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है लेकिन इसका इंडिया हिस्सा है, UPSC ने पूछा भी है इसके बारे में, 18 कंट्रीज है इसमें और आसियान के लीडर्स की मीटिंग के साथ ही ये हो रहा है। पहला समिट इसका 2005 में हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर, इसमें 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं, या पढ़ सकते हो, एनवायरमेंट, एजुकेशन, फाइनेंशियल इश्यूज, ग्लोबल हेल्थ और पैंडेमिक डिजीज और नेचुरल डिजास्टर, ये सारे हैं। ठीक है, ये इसमें इश्यूज हैं, ये देखिए ये मेंबर्स हैं EAS के, अमेरिका भी इसमें है, रशिया भी इसमें है और ये सारे ये जो हैं ये ओरिजिनल मेंबर्स ये वाले सारे के सारे हैं और इसमें और जो मेंबर जुड़े हैं ये हैं वो। ये देखिए EAS जो रीजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रूप से थर्ड पोल कहलाता है वर्ल्ड इकोनॉमी का, ये जो सारा रीजन है इसी के अंदर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP की बात भी चल रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये
एक तरह से एपेक का अल्टरनेटिव था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, इसका इंडिया मेंबर नहीं था, इसके रिगार्डिंग भी यूपीएससी ने पूछा था, लेकिन इंडिया ईएएस का मेंबर है। डस्ट लिक, आज सुबह मैंने आपको बताया है डस्ट लिक क्या है, ये जॉइंट एक्सरसाइज किसके बीच में है, इंडिया थाईलैंड या इंडिया तुर्कमेनिस्तान या किसके, ये इंडिया और किसके बीच में, अभी राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको डिस्कस भी किया था, डिफेंस के इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुए हैं वह उज्बेकिस्तान, तो इंडिया उज्बेकिस्तान का ये पहला जॉइंट एक्सरसाइज होगा, ठीक है, डी नन इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें उज्बेकिस्तान नहीं दिया हुआ है, तो ये पहला जॉइंट एक्सरसाइज होने वाला है और डिफेंस के एरिया में एमओयू साइन हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होने वाला है और बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें शेयर की जाएंगी, काउंटर टेररिज्म इसमें इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा। नेक्स्ट धनुष, धनुष का इंडिजिनसली अपग्रेडेड वेरियंट है स्वीडिश बोफोर्स गन का, तो वही बोफोर्स गन जिसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हुआ था, सबसे बड़ा करप्शन बोला जाता है पास्ट में पिछले सेंचुरी के अंदर इंडिया में, तो वो वही इशू है, उसी का अपग्रेडेड वेरिएंट है, लेकिन किसने डेवलप किया, डीआरडीओ ने नहीं किया, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने किया है, ओएफबी में, ओएफबी ने, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ओनली वन क्योंकि दूसरा गलत है इसमें, ओएफबी ने इसको डेवलप किया, 80 से इसकी बात चल रही है और 20 मार्च में नेक्स्ट ईयर ये 18 शुरुआती जो है उनका डिलीवरी हो जाएगा और ये मिल जाएंगे हमारे फोर्सेस को, उसके बाद 36 और मिलेंगे एक साल बाद में, उसके बाद दो साल बाद 40 और मिलेंगे, तो 2022 तक ये पूरा हो जाएगा, 114 गन्स का डिलीवरी होना है और ये इंपॉर्टेंट 155 mm के होविट्जर टाउट गन्स है जो धनुष जिनका नाम होगा और ये बोफोर्स का ही अपग्रेडेड एक वेरिएंट है, जो अभी तक हमारे पास में वो 105 mm की है और ये 155 mm की होगी, तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है, ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, थैंक्स लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।